नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं वो YouTube आपको खुद बताता है। YouTube ने अपने क्रिएटर पे एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि आप अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, वीडियो को कैसे वायरल कर सकते हैं। तो भाई, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ और आप चाहें तो यूट्यूब के क्रिएटर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें YouTube ने बताया है कि अगर आपको वीडियो वायरल करना होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है। जब आप दोस्तों वीडियो YouTube पर अपलोड करते हो तो आप प्राइवेट में अपलोड करें या अनलिस्टेड में अपलोड करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब YouTube ये कहता है कि जब मेरे पास ये वीडियो पब्लिश हो जाता है तभी हम इस वीडियो पर नजर रखते हैं, और उसमें वो शुरू के एक घंटे में खास नजर रखता है। जैसे अगर आपने वीडियो अपलोड किया है और अपलोड करने के बाद आपके वीडियो पे 2-3 व्यूज आ रहे हैं तो आप फौरन ही अपने यूट्यूब स्टूडियो पर जाइए और वहां पे CTR चेक कीजिए, क्योंकि आपके वीडियो पर जितने व्यू आए हैं तो कितने लोगों को CTR भेजा गया है और कितने लोगों ने देखा है, तो CTR में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि वहां पर आपका CTR कितना है। मतलब मान लो YouTube ने आपका वीडियो 100 लोगों के पास भेजा है, सजेस्टेड में भेजा है, नोटिफिकेशन से भेजा है, और उसमें 100 लोगों में से 2 लोगों ने देखा है तो आपका CTR 2% हुआ। लेकिन अगर आपके वीडियो 100 लोगों के पास पहुंचा है और 100 लोगों में से केवल मात्र 5 लोगों ने देखा है तो ये एवरेज है, मीडियम है, ये ठीक ठाक है। अगर आपका वीडियो 100 लोगों के पास पहुंचा है और लगभग उसमें 10% से ऊपर लोग देख लेते हैं या क्लिक करते हैं तो ये वीडियो अच्छा माना जाता है। तो YouTube भी कहता है कि अपने YouTube का वीडियो का CTR अच्छा करें। और मान लीजिए आपने वीडियो अपलोड किया और 15 मिनट बाद आपने देखा उसका CTR बहुत ही ज्यादा कम आ रहा है, YouTube स्टूडियो में आपने जो भी वीडियो अपलोड किया है उस वीडियो पे क्लिक करके एनालिटिक्स में जाकर आप अपना CTR देख सकते हैं, आपका CTR 5% से कम जा रहा है तो YouTube ने खुद बोला है कि आप सबसे पहले अपना थंबनेल चेक करें, क्योंकि आपने थंबनेल में कुछ ऐसा नहीं है जिसके कारण लोग आपके वीडियो को क्लिक कर रहे हैं, या टाइटल में कुछ ऐसा नहीं है जिसके कारण आपके लोग वीडियो को बात करना चाह रहे हैं या टाइटल में क्लिक करना चाहते हैं। अगर CTR आपको बढ़ाना है और वीडियो अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, 100 में से 10 लोग देख रहे हैं, CTR अच्छा है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कम लोग देख रहे हैं तो आपको तुरंत वहां पर अपना थंबनेल चेंज करना चाहिए, अच्छा थंबनेल बना के लगाना चाहिए और टाइटल को भी चेंज करना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि आप अपने वीडियो को SEO कैसे कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए आपने वीडियो किसी टॉपिक पर बनाया हुआ है, मान लीजिए आपने बताया हुआ है पनीर की सब्जी कैसे बनाए, ठीक है, तो आपका वो कीवर्ड आपका टाइटल में होना चाहिए। उसके साथ साथ वो कीवर्ड पनीर की सब्जी आपका डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए और टैग में होना चाहिए, तभी आपका SEO कंप्लीट होता है। और उसके बाद आप और भी सर्च कीवर्ड टैग में लगाएं, डिस्क्रिप्शन में लगाएं, ये बहुत जरूरी है। जब तक आप ये चीज नहीं करेंगे तब तक आपका SEO नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कई लोग है टाइटल तो लिखते हैं लेकिन डिस्क्रिप्शन और टैग में खुद नहीं लिखते, इसके कारण उनका वीडियो सर्च में नहीं आता है, सजेशन में नहीं आता है। तो आपको तीनों जगह टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन में एक कॉमन वर्ड रखना है जिससे आपका SEO कंप्लीट हो जाए, और उसके साथ साथ और भी आप कीवर्ड लगाएं जिससे आपका वीडियो रैंक करने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ YouTube ने इसमें और भी कुछ बताया है कि इसमें बोला कि आपने थंबनेल भी अच्छा लगाया है, टाइटल भी अच्छा लिखा है, डिस्क्रिप्शन भी अच्छा से लिखा है, टैग भी अच्छे लगाते हैं, फिर भी आपका वीडियो नहीं चल रहा है, तो उसका कारण है कि आपके वीडियो पर कितना लाइक आ रहा है, कितना कमेंट्स आ रहा है, कितना डिसलाइक आ रहा है, इसको भी हम देखते हैं। और बस टाइम आपका वीडियो लोग कितने टाइम तक देखते हैं, मान लीजिए हमने आपका वीडियो 100 लोगों के पास भेजा और उसमें 10 लोगों ने देखा तो CTR तो आपका 10% हो गया, लेकिन आपका वीडियो लोग कितने सेकंड में देख रहे हैं, मान लीजिए कोई आपका 10 मिनट का वीडियो है, लोग 30 सेकंड या 1 मिनट बाद छोड़ के जा रहे हैं तो आपका वाच टाइम कम हो रहा है। तो यूट्यूब है औसत आपके वीडियो पर औसत वाच टाइम को काउंट करता है। अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो उसके कॉन्टेंट पे आप खास तौर पर फोकस करें कि जब तक उस पर फोकस नहीं करेंगे तब तक आपकी ऑडियंस वीडियो पे क्लिक करने के बाद लंबे समय तक बात नहीं करेगी। आप जितने भी कामयाब क्रिएटर को देखेंगे उनके पर ऑडियंस रिटेंशन अच्छा आता है, अगर उनका वीडियो 10 मिनट का, 15 मिनट का, 1 घंटे का भी है तब भी लोग है आधे आधे घंटे उसको देख लेते हैं। इसलिए ऑडियंस रिटेंशन अगर आपका 50% से अच्छा है तो थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन 80-90% यूट्यूब भी बोलता है कि 80-90% अगर आप ऑडियंस रिटेंशन है तो कोई भी वीडियो को वायरल होने से नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा कंटेंट फोकस करें और अपना टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन जो भी लगा रहे हैं, और साथ में आप अपने वीडियो को अपलोड करने के टाइम पर प्राइवेट लगाएं या अनलिस्टेड लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पब्लिश होने के बाद ही फर्क पड़ता है। तो कंटेंट पर फोकस करें और शुरू में वीडियो अपलोड करने के टाइम पर और उसके बाद में 1 घंटे तक अपने वीडियो पर नजर रखें। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई अवश्य करेंगे। धन्यवाद।